वलीद, मैं आपको दोपहर से कॉल कर रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं पिक कर रहे? रूसा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कितना परेशान हूं। तुम्हारे भाई शहजाद ने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। मैं जानती हूं। क्या तुम जानती हो? रूसा, जानते हुए भी तुमने ये बात मुझसे छुपाई? तुम जानती थी कि तुम्हारे भाई शहजाद ने बाबा के खिलाफ अदालत में फिर से केस किया? मुझे बहुत अफसोस है कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई, और न जाने तुमने मुझसे क्या क्या छुपाया होगा। ये क्या बात कर रहे हैं? मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया। झूठ मत बोलो अरूसा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे धोखा दोगी। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया वलीद। मुझे बहुत अफसोस है अरूसा, मैंने तुम्हें जैसा समझा था तुम वैसी बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि तुम में और एक आम चालाक धोखेबाज औरत में कोई फर्क नहीं है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, हरगिज नहीं थी। बहुत दिल दुखाया तुमने मेरा। वलीद, मेरी बात तो फलीद, मेरे बारे में बातें कैसे कर सकते हैं? उन्होंने क्या मामी ने वलीद को सब कुछ बता दिया? वो कैसे सोच सकते हैं कि मैं ये सब कर सकती हूँ या उनसे कुछ छुपा सकती हूँ? रूसा, रूसा, क्या हुआ मेरी जान? तुम रो रही हो, क्या हुआ मुझे बताओ? तुम परेशान ना हो, तुम्हारी माँ भी जिंदा है। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, मैं करूंगी वलीद से बात। कोई फायदा नहीं है वलीद से बात करने का। वलीद अपनी माँ की जबान बोल रहे, उन्होंने मुझे झूठा धोखेबाज कहा। वो समझते हैं कि शहजाद ने जो मामू पे केस किया है उस बारे में मुझे पहले से मालूम था। अभी वलीद ने मुझे वकील साहब, खुदा के वास्ते आप अपनी बेटी से बात करें, मैं इस मामले में उसको फेवर नहीं कर सकती। अरे, हमेशा हर बात में उसकी फेवर की है, अब जिंदगी के इस अहम मामले में उसको मायूस क्यों करती हो? सही कहा आप, जिंदगी के मामले और जिंदगी के फैसले में मैं किसी जज्बाती ख्वाहिश को कबूल नहीं करूंगी। देखो, वो बहुत जिद्दी है, अगर ना मानी तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप, एक से एक आला खानदान का रिश्ता आया है जोया के लिए, जो हमारे स्टैंडर्ड से मैच करते हैं। लेकिन क्या किया आपकी बेटी ने? सबको रिजेक्ट कर दिया, और सेलेक्ट किसको किया? उस लड़के को जिसका हमारी क्लास से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अरे, परेशान ना हो, तुम बीमार हो जाओगी, फिक्र ना करो, मैं बात करूंगा जोया से। बात करूंगा, वो समझने समझाने के मूड में ही नहीं है। और सुने, आप अगर अपने वकालत के दलाइल देकर उसे कायल करने की कोशिश करेंगे ना, तो हरा देगी वो आपको। बस मैं तो कहती हूँ, सख्ती से बात कीजिएगा, फैसला सुनाइएगा अपना। दिमाग खराब करके रख दिया लड़की ने, मैं भी उसको भेज रही हूँ, बात कीजिएगा। क्या हो गया बद्दो, क्यों परेशान हो रही हो? मैं सुबह करूंगा वलीद से बात। आप उससे अभी बात कर लेना, वो सुबह तक तो रो रो के मर जाएगी। अरे बेवकूफ औरत, अभी बात करूंगा तो मेरी भी नहीं सुनेगा, वो गुस्से में है। सुबह जब उठेगा ना तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा। ठीक है, तुम ना अब आराम से सो जाओ, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? वो जमील ने बुलाया, कुछ मसला डिस्कस करना है उसके साथ। हद हो गई है, घर में खयामत आ गई है, मेरी हालत देखे मैं परेशान हूँ, आपको अभी भी बाहर वालों की पड़ी है। खुदा के लिए सलीम, कोई जिम्मेदारी उठा ले, मैं थक गई हूँ, नहीं होता मुझसे ये। अरे सेंटीमेंटल औरत हो, पागल औरत हो तुम,
मुझसे नहीं हल होंगे तुम्हारे ये मसले। ताज़ा लगाओ, यानी कि आप अपने काम छोड़ दें। तुम और तुम्हारे बच्चों ने क्या हाल कर दिया मेरा है? दो घड़ी सांस लेने बाहर जाता हूँ मैं, वरना मेरा तो बुरा हाल आ जाए। बाहर आया मैं आखिरी फैसला है। पापा, आपको मुझ पर एतबार नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं गलत फैसला कर रही हूँ? देखो बेटा, ये मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल एक मुख्तलिफ चीज है। तुम इसे एक एडवेंचर के तौर पर ले रही हो। पापा, मैं बिलाल को पसंद करती हूँ, और कम से कम आपको तो ये बात समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मुझे अपनी पसंद की शादी करने के लिए मेरा मजहब और कानून इजाजत देते हैं। मजहब और कानून तुम्हें नहीं रोक रहा, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें ये हक देने के लिए कतन तैयार नहीं है। मामा को तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो तो अपने सर्कल को दिखाने के लिए सो कॉल्ड लिबरल और सोशल एक्टिविस्ट बनी हुई है, जबकि अंदर से वो एक जुनूबी पंजाब के चौधरी शेरनवाज की बेटी है। अरे बेटा, आहिस्ता आहिस्ता, इतनी हसास नौयत की बातें जो है इतनी ऊंची आवाज में नहीं करते। बेटा, नक्शे अमल बल्कि एक दामे कत्ल का खच्चा होता है। क्या? वो अपने बैकग्राउंड हिस्ट्री की वजह से मुझे जान से मार देंगे। ओके, ठीक है, तो फिर वो खुद भी नहीं बच पाएंगी। ऑब्वियसली इस शहर के नामवर वकील हैं मेरे पापा। अरे बेटा, तुम ये क्यों भूल रही हो कि तुम्हारा बाप उस औरत का खामिद भी है। अरे पीछे कुछ दरमियानी रास्ता निकाल लो, वरना इस घर का बड़ा नुकसान हो जाएगा। पापा, पता नहीं मामा को क्या हो गया, वो इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रही हैं? उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, मेरी हर बात मानी है, मैंने तो उनके मुंह से कभी ना सुना ही नहीं। पापा, वो ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या उन्हें मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं है? नहीं, तुम्हारी खुशी की परवाह है, तभी तो वो तुम्हें समझा रही है। बेटा, ये जो जज्बाती फैसले होते हैं ना, इनकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए एक बार गौर से अच्छी तरह सोच लो। पापा, मैंने बहुत सोचा समझा उसके बाद फैसला किया, और अब आपको बता रही हूँ। और मामा का प्रॉब्लम मुझे समझ आ रहा है, वो स्टेटस कॉन्शियस हैं और कुछ नहीं। इन एनी हाउ आप मामा से कह दें कि मेरी बात मान लें, अदरवाइज मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है, प्लीज। अब क्या कर सकता हूँ मैं? वो भी नहीं मान रहे, ये भी नहीं मान रहे। वालेकुम सलाम। ऑफिस जा रहे हैं? जी ऑफिस जा रहे हैं। खैरियत से जाओ। और याद है ना जो मैंने बात की थी तुमसे रात को? याद है, मैं उरूसा को पिक करने नहीं जाऊंगा। शाबाश, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। मेरी बहादुर बेटी इतनी जल्दी घबरा गई, बुरी बात। ये जो हमारे अपने होते हैं ना, उनकी मोहब्बत हमें बहादुर बनाती और उनकी नफरत हमें बुझती। मुझे वलीद से इस बात की उम्मीद नहीं थी, इतनी छोटी सी बात पे उसने मुझे पल में पराया कर दिया। यार, ये मुझे नाश्ता मिलेगा, भूख लग रही है मुझे। कहीं जाना है तुम्हें? अच्छा, नहीं जाना तो नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? हाँ, अपनी बेटियों के नाज नखरे उठाने से फुर्सत मिले तो किसी और को कुछ मिले ना इस घर में। बकवास बंद करो शहजाद, मैं बहुत जब्त से बर्दाश्त कर रही हूँ ये सब कुछ, ऐसा ना हो कि मैं अपना सब्र खो दूँ। अच्छा, किया क्या है मेरे लिए आज तक आपने? क्या किया है? सुबह का नाश्ता करता हूँ, रात का कभी खाना खाता हूँ, नहीं खाता हूँ,
जितना जो कुछ कमाया आपने आज तक अपनी बेटियों पे ही लगाया है, सारा कर्जा तो मैं उतार रहा हूँ। इनसे बोले ना उतारेंगी कर्ज, इन्हीं के लिए लिया था ना। दफा हो जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दिल से बद्दुआ निकल जाए। हाँ दे दे बद्दुआ, बद्दुआ ही तो दी है आज तक आपने, और किया क्या है बद्दुआ। शहजाद, शहजाद, मेरे खुदा क्या हो गया शहजाद को, ये ऐसा तो नहीं था। जब से नीलो से शादी को इनकार हुआ है ना, तब से पागल हो गया ये। साइमा को तुमने दुश्मन समझने लगा है। उफ अल्लाह अम्मी, तो आपने क्यों नहीं करवाई नीलो से शादी? मैं तो राजी थी, लेकिन वो साइमा है ना, मत पूछे बात मुझसे। अच्छा परेशान नहीं हूं, दोस्त हो तुम। मामा से खिदमतें करवाते हुए मुझे बिल्कुल भूल ही गई। खैरियत है, क्या हो गया? अभी तुम मुझे ये बताओ तुम हो कहाँ? अम्मी के घर। देखा, तुम भूल गई ना मुझे। तुम्हें अंदाजा भी, 3 दिन से यहाँ मैदान में जंग सजा हुआ है और मैं अकेली 2 मुहाजों पर लड़ रही हूँ। अच्छा, फिर कामयाबी मिली? मुझे अंदाजा नहीं था मामा इतना गुस्सा करेंगी। सही कहते हैं, सुपर पावर को हराना बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा, तुम भी तो सुपर पावर हो। हाँ, समझती थी, लेकिन एक ही बात ने ना सारी औकात याद दिला दी, समझो सारे शक जैसे दूर ही हो गए। अच्छा, तो फिर हार मान लोगी? क्या, सोया और हार मान ले? Impossible। तुम्हें पता है मैंने इतना तगड़ा वकील किया है ना, वो कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, बिल्कुल वैसे ही मैंने तो पापा को जिम्मेदारी दे दी कि मामा को राजी कर। वाह भाई, क्या कहने हैं तुम्हारे। थैंक यू, थैंक यू। वैसे जनाब आप ये बताइए, वापस कब जा रही हैं? पता नहीं। क्या मतलब, वलीद भाई तुम्हें कब लेने आ रहे हैं? नहीं पता। क्या बात है उरूसा, एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सोया, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, रिलैक्स हो, प्लीज डोंट वरी, मैं अभी आती हूँ। ओके बाय। खैरी हो? अरे भाई शम्मी, मैं तो ना बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ अब इदरीस का। जैसे ही वो पाकिस्तान आएंगे ना, मैं अपने नाम घर करवा लूंगी। एक बात का ख्याल रखना, इस काम में देर नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द कर ले। अरे तुमसे ज्यादा बेताब तो मैं हूँ शम्मी। अच्छा, मैंने ना ये घर की हालत बेहतर करने के लिए बात की है बिलाल से। फिर कह रहा था कि करा देगा। अरे जोया के जवाब का इंतजार कर रहा है ना, इसलिए। बेवकूफ बना रहा है, इंतजार क्या करना, जब आप तो हाँ ही आना है, सबको पता है। चलो 2-4 दिन देख लेते हैं ना, बाद में बात कर लेंगे। बात सुनो, ये मोहसिन भाई और उनकी बीवी घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे, और मजा ले जो तुम 1 रुपए का भी हिसाब ले लो, कब लोगी भाई? किसी वजह से खामोश हूँ मैं, बस मैं चाहती हूँ कि ये जो रिश्ता है ना, ये आराम सुकून से हो जाए, उसके बाद बात करूंगी मैं। अभी रहने दे, मैं नहीं चाहती कि कोई मसला खड़ा हो। हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो, बड़ी खतरनाक औरत है, इंतकाम लेने पे आ गई ना तो हम दोनों के लिए मसला हो जाएगा। छोड़ूंगी नहीं ना उसे, बहुत चालाक है, जहेज का लालच देके हमें बेवकूफ बनाया, क्या समझती है अपने आप को, सारे कसबल निकाल दूंगी मैं इसके, तू देख जरा। छोड़ो ना शिमी, तुम्हारे लिए मजेदार चाय बना के लाती हूँ, और सुनो नया जोड़ा बना के दोगी ना इदरीस के आने का? क्यों नहीं बनाऊंगी। अच्छा सुन, बिस्किट लेती आना। अभी लाई। रूसा,
दोबारा वलीद भाई को कॉल किया? नहीं। क्यों? गुस्सा भी था और खौफ भी। ओफो, क्या होगा? अरे तुम गुस्से को छोड़ो और खौफ को खत्म करो। वैसे वलीद भाई को तुम्हारा फोन अटेंड तो करना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं भी कर रहे तुम ऐसा करो, मामू को फोन करके उन्हें सारी बात बता दो। क्या हो गया तुम्हें? मामू और भी ज्यादा गुस्से में होंगे। तो तुमसे कोई बात करना ना फजूली है। मैं अभी आती हूँ। जोया कहाँ जा रही हो? आंटी, आंटी। हाँ जी। चले मेरे साथ, ये सब छोड़ें। अरे कहाँ लेके जा रही हो? उषा के कमरे में चले तो सही। अरे आंटी, आंटी आप इधर आइए। क्या हुआ? उषा जल्दी से मुझे अपने मामू का नंबर बताओ। सोया प्लीज। अरे इतना बड़ा मसला नहीं है जितना आप लोगों ने बना लिया है। भाई किसी ना किसी ने तो मामू या वलीद भाई से बात करनी होगी ना। मुझे उरूसा ने वलीद से बात करने से मना किया है। तो आप अपने भाई से बात करें और उन्हें बताएं कि उनकी बेगम ने यहाँ आकर क्या किया। मुमानी ने बता दिया होगा, और अगर मामू ने अब तक कॉल नहीं की तो इसका मतलब वो नाराज है। मेरा ख्याल है तुम्हारी मुमानी ने ना ही अपने शौहर को कुछ बताया है और ना ही बेटे को। भाई हमें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहिए ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नाराज होंगे। भाई वो तो अब भी नाराज है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं वलीद, आप वलीद से बात नहीं करेंगी। सोया, अम्मी वलीद से बहुत प्यार करती है, और अगर वलीद ने अम्मी को कुछ कह दिया तो मैं सारी जिंदगी उसकी शक्ल नहीं देखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारा मतलब है वो आंटी के साथ? गुस्से में इंसान के मुंह से कुछ भी निकल जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे मामू तुम्हारी अम्मी से बड़े हैं? हाँ। फाइन, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। भाई बड़े छोटों को डांट भी देते हैं, समझाते भी हैं, और आंटी बड़ों की बातों का बुरा नहीं मनाया जाता ना। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मैं भाईजान से खुद बात करूंगी। एक दफा पहले भी मैंने उनसे अपने हक के लिए बात की थी, इस दफा फिर करूंगी अपनी बेटी के लिए। लाओ फोन मिला के ये लीजिए। मना किया था, मना किया था आप लोगों, कोई फायदा नहीं है। अम्मी, सोया आई है, उसको आलू के पराठे बहुत पसंद है आपके हाथ के, बना दे। नहीं आंटी, दोपहर के टाइम पराठे? पराठे खाने का कोई वक्त नहीं होता। और अम्मी एक नहीं दो बनाइएगा। अच्छा चलो तुम दोनों बैठो, मैं बना के लाती हूँ। कल से अब तक उसने फोन तक नहीं किया मुझे, ना सॉरी बोला ना गलती का इतराफ किया। ठीक है, मैं भी उसे फोन नहीं करूंगा, ना ही घर लेकर आऊंगा, बैठी रहे वहीं। रूसा, वक्त फासलों को बढ़ा देता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वलीद भाई से रابطہ करने की कोशिश करो। तुम तो अपने घर के हालात से वाकिफ हो, तुम्हारे यहाँ रहने से आंटी को खुशी नहीं बल्कि दुख पहुंच रहा है। अपनी अम्मी के खातिर
तुम वली भाई से रब्ता करो। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी। गुड। अरे हाँ, निजामी साहब का पापा के पास फोन आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। कह रहे थे एक हफ्ते की छुट्टी लेकर गई थी, 3 हफ्ते गुजर चुके। सोया मैंने वो जॉब करनी है, तुम अंकल से बात करो। अगर तुम खुद निजामी साहब से बात करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ मैं आज ही बात करूंगी उनसे, क्योंकि मुझे इस जॉब की जरूरत पहले से ज्यादा है। तुम वली भाई के पास जाना चाहते हो? हाँ, लेकिन ये जॉब मैं अपने घर वालों के लिए कर रही हूँ, और शादी से पहले मैंने वली से इजाजत ले ली थी कि मैं जॉब करूंगी। अच्छा ठीक है, परेशान मत, सब ठीक हो जाए। इतनी देर हो गई, आंटी के पराठे नहीं आए अभी तक। उरूसा ने रब्ता किया तुमसे? नहीं, उसने रब्ता नहीं किया। तुमने बात करने की कोशिश की? पापा मैं उसे कॉल नहीं करूंगा। वलीद, पापा प्लीज, आप मुझे प्रेशराइज मत करें। आप वो सब नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। तो क्या जानते हो तुम? पापा मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी नहीं, जब मैं खुद सब कुछ समझ लूंगा ना आपको बता दूंगा। देखो तुम अच्छी तरह जानते हो सबा इस मामले को खामखा बढ़ा देंगे। उसे उरूसा का उस घर में आना ना पहले पसंद था, ना होगा ना है। बाकी मामला को समझने की तुम्हारे पास ज्यादा बेहतर अकल मौजूद है, जरा सा गौर करोगे ना तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, वो भी जिन्हें तुम समझने की कोशिश कर। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम बेटा यूसुफ। आप कहाँ हैं इस वक्त? मैं ऑफिस में हूँ। मुझे बताओ सब कुछ हुआ क्या? शहजाद ने क्या किया? सारा मामला बिगाड़ दिया, सबा बहुत गुस्से में। जी मामी यहाँ भी आई थी, बहुत गुस्सा करके गई हैं। क्या वो वहाँ तुम्हारे घर आई थी? क्या कहा उसने? आपको मामी ने कुछ नहीं बताया? नहीं नहीं तुम बताओ मुझे। कमरे में आओ मेरे पास। जी पापा, ऑल गुड। तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। लेकिन कहाँ? उरूसा के घर। उरूसा के घर अभी इस वक्त? जितना मैं कह रहा हूं उतना घर। बहुत बहुत मुबारक हो अम्मी आपको, बस अब हम बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और जल्दी से बिलाल के हाथ पीले कर देंगे। भाभी अभी तो बहुत इम्तिहान बाकी हैं, उसकी अम्मी बहुत मुश्किल पर्चा लेती है मेरा। अरे बिल्लू तेरी शादी ना होगी, ये तो यूनिवर्सिटी का कोई पर्चा हो गया है। देखो तो सही जरा, हर कोई अलग अलग पर्चे लेके आ रहा है और अलग अलग सवाल पूछ रहा है, और वो भी मुश्किल मुश्किल। अम्मी देखो इम्तिहान है हम मानते हैं, लेकिन ये सोचो इस इम्तिहान के बाद इनाम कितना बड़ा है। हाँ, और जब इनाम के बारे में सोचोगे ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, है ना? अरे भाभी वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ना सोया की अम्मी से खौफ आता है। बहुत मुश्किल खातून है, बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल पूछती हैं। लो भाई मेरा बिल्लू कम है क्या किसी से? लाखों में एक है। और सोया बड़ी खुशकिस्मत है भाई जिसे मेरे बिल्लू जैसा हीरा मिल रहा है। ठीक कह रही हैं अम्मी आप, बिलाल तो हमारा हीरा है ही, लेकिन सोया भी किसी मोती से कम नहीं है। अच्छा बस बस, अब ऐसे भी सुरखाब के पर नहीं लगे हैं जोया में, और ना ही कोई मोती जड़े हैं उसके ताज में।
वैसे भी दौलत ना शक्लो सूरत के सारे ऐप छुपा देती है अम्मा। ऐसी भी बात नहीं है, जोया में किसी चीज की कमी थोड़ी है। अरे भाभी आप भी कौन सी बातों को लेकर बैठ गई, बस ये दुआ करें कि जोया की अम्मी मान जाएं बस। लो भाई शिम्मी, एक बेटा तो मजनू था ही, दूसरा उसका भी बाप निकला। सलीम, आपने वलीद से ये बात लाजमी करनी है कि हमें नहीं पता शहजाद ने कब केस किया, बल्कि हमें तो तब पता चला है जब सबा भाभी ने यहाँ कर शोर मचाया है। हा? अरे तुम रहने दो अरस्तु की खाला, ये अपनी अक्लमंदी अपने पास ही रखो। कमाल हो गई, यानी अब तुम बताओगी मुझे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किससे करना है, अच्छी तरह जानता हूँ मैं। लगता है वलीद और जहीर भाई आ गए। तुम तो ऐसे खिल उठी हो जैसे भाई तुम्हारा जायदाद के कागज देने आ रहे हैं तुम्हें, भूले ही चली जा रही हो और ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। बस। जो भी अंगारे बरसाए सभा भाभी ने, हमने तो दामन में समेट लिए, जो कुछ कहा उन्होंने सर झुका दिया उनके सामने। लड़की वाले ना मजबूर हैं, आप हैं सूट बूट वाले, वरना मजबूर आदमी गैरतमंद थोड़े ही हो सकते। भाई जो बात थी मैंने सब कुछ आपको बता दी, इसीलिए उनसे को लेने में खुद आया हूं। इसीलिए तो मैं भी समझा रहा था जी इसको, अपने वलीद को। मैंने कहा देखो वलीद बेटा, इफाम व तफहीम से खानदान के ये जो मुकदमात और मसले हैं वो तय कर लेते हैं कहीं भी बैठ के। मैं तो वो पुराना मुकदमा भी वापस लेने को तैयार था, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई पेशरफ्त ही नहीं हो। मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा इस मामले का। जी बेटा तैयार है, चले। आइए। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चाहे तुम्हारा जितना भी झगड़ा हो जाए, उरूसा से नाराज ना हो, गलत फहमियां जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना बेहतर होती है बेटा, वरना दीमक की तरह रिश्तों को खा जाती है। अरे वाह 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 वाह, बड़ी बात है, मामू आज हमारे घर आए हैं बड़े दिनों बाद। अच्छा अच्छा, जरूर उरूसा को लेने आया हूँ, है ना। खैर मामू आपको एक बात बता दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उरूसा को लेकर जाएं या ना लेकर, मैं तो केस नहीं वापस लेने वाला। तुमसे कहे कौन रहा है केस वापस लेने के लिए, जितना जोर लगा सकते हो लगा लो तो। और जो हक तुम जता रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी माँ का। अच्छा मेरी माँ का हक है तो दे देना, लेके क्यों बैठे हैं फिर। शहजाद, हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की, खबरदार अगर आइंदा इस मामले में दखल अंदाजी की तो, मुझसे किसी भलाई की उम्मीद नहीं रखना तुम। पप्पू प्लीज प्लीज पप्पू, भाई भाई मैं माफी चाहती हूँ, आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। भाई रूसा सिर्फ आपकी बहू नहीं है, बेटी भी है, मेरी इल्तजा है इसका ख्याल रखिएगा, ये बहुत छोटे दिल की है, जल्दी परेशान हो जाती है, आप देख लीजिएगा प्लीज। तुम फिक्र मत करो, मैं ख्याल रखूंगा। मेरी तुमसे भी यही इल्तिजा है, उरूसा का ध्यान रखना प्लीज। आप परेशान मत, अगर तुमने कभी उसे दुख दिया ना तो तुम ये समझना तुमने मुझे दुख दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आपको शहजाद को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, अब वो मजीद गुस्से में आ जाएगा और काम बिगाड़ देगा। मैं परेशान ना हूं, मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि उससे डर जाऊंगी। मुझे आता है सब कैसे हैंडल करना,
बेटा तुम अपने घर की फिक्र करो, उसे संभालो। भाई ध्यान रखिएगा इसका। अल्लाह हाफिज़। आइए आइए, आपका इंतजार कर रहा था। त्रिशिव लाए, यहां त्रिशिव लाए, यहां। क्या बोल रही थी बात? क्या कि भाईजान? हाँ, वो मुंह गोल करके बोलो कि भाईजान आपको आइंदा क्या नहीं मिलेगा। हाँ, मुंह गोल गोल करके बोलो। शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हाँ, मतलब ये कि तुम ये कहना चाह रही थी कि तुम उससे अपना हिस्सा नहीं मांगोगी। ज्यादा तुरंत खबरने की कोशिश ना करना। जब तक मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिल जाता, ये केस चलेगा, चलता रहेगा ये केस। वो उरूसा को रखे या ना रखे, चाहे तलाक दे दे, मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगा। तो आपको सब पता था ना, आप मिले हुए थे शहजाद के साथ। इस घर में मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं होता और ना होगा। तो आप तुम भी समझ लो अच्छी तरह। कल राहिल और बीनी आ रहे हैं, एक हफ्ते के लिए हमारे साथ रहेंगे। ऊपर वाला बीनी का जो कमरा है वो तैयार कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने देख लिया है, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा, कोई कमी ना रहे। और डिशेस क्या बनानी है मैं आपको कल बता दूंगा। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। बीनी बीबी की पसंद तो मुझे मालूम है, बाकी आप जो कहेंगी वो मैं बना दूंगा। ठीक है, मैं बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या कर रही है यहाँ? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ आराम से, तुम जाओ कमरे में। नहीं नहीं, ये क्यों जाएगी कहीं? जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। मैंने कहा ना तुमसे कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो तुम? जो इसके भाई ने किया है हमारे साथ, जो इसके घर वाले कर रहे हैं, उसके बाद इसका मेरे घर में आना बनता है जहीर? इसके भाई ने जो भी कुछ किया वो सलीम और आपदा को बताए बाहर किया, और तुम ही तो गई थी बताने के लिए उन्हें सब कुछ। हाँ, मैं आपदा से पूछने के लिए गई थी कि लालच में इतनी अंधी हो गई कि भूल गई है कि मेरी बहू इसकी बेटी है, हैं? वो हम पे मुकदमे पे मुकदमा दर्ज करे और हम इसकी बेटी को शहजादी की तरह ऐश करवाएं, ऐसा नहीं होगा। जो भी बात करनी है इन दोनों के सामने होगी। शमा, मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो। आपने अच्छा नहीं किया।
पास यहां आकर खुश नहीं हो? नहीं। तुम्हारी उदासी देखकर लग रहा मुझे। वलीद, मैं यहां सिर्फ मामू जान की वजह से आई हूं। और आप? और मैं? आपने क्या किया था वलीद, याद है आपको? आपने मुझे झूठी, धोखेबाज, चलाक सब कुछ कह के मेरे मुंह पे फोन बंद कर दिया था। आप तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते थे। जो कुछ मुझे उस वक्त मालूम हुआ उसके बाद मैं गुस्से में था, लेकिन जहां मोहब्बत होती है ना वहां तवक्कुआत भी ज्यादा होती है। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं तुम इसका अंदाजा भी नहीं कर सकती। कर सकती हूं। और शायद इन दिनों किया भी है। ये है आपकी अजीम मोहब्बत कि एक मामूली सी बात पे आपने मुझे अपनी जिंदगी से ऐसे दूर झटक दिया जैसे कपड़ों से गंदगी झटकी जाती है। आपने मुझसे सच पूछने की जहमत भी नहीं की और सजा सुना दी। मानता हूं, मैं मानता हूं कि मुझे शहजाद के मामले में गलत फहमी हुई, मगर मगर बिलाल,